जी बिल्कुल, थैंक्स। आई थिंक अर्लियर दिस मंथ हम वी वर ऑन एन एनलिस्ट रोड शो, और हम थे लंदन में और उसके बाद यूएस में अक्रॉस 5 सिटीज़। तो ये तकरीबन ऑब्वियसली एक वीक का, मोर देन वीक का रोड शो था। तकरीबन 20 कुछ इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स से मुलाकात थी। ये अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम थे, इसमें आपके फ्रंटियर फंड्स भी थे, कुछ इमर्जिंग फंड्स भी थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक आइडिया हो जाता है कि फंड्स क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। इनमें ज़्यादातर थे जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, कुछ थे जो पाकिस्तान उनके लिए नया था, या तो उनकी एक या दो इन्वेस्टमेंट्स थी हुकूमत की SPOs में, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया था उसके बाद पाकिस्तान को नहीं देखा था, या कुछ थे जिनको पाकिस्तान पहली बार देखने को मिल रहा था, पहली बार किसी से मिल रहे थे जो पाकिस्तान में, बट वो माइनॉरिटी में थे। बाय एंड लार्ज जिनसे हमारी मुलाकात थी वो बहुत वेल वर्स्ड थे पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं प्रॉब्ली ये मेंशन करूंगा कि एनलिस रोड शो हमने ऑब्वियसली थोड़े से इनफ्रीक्वेंट हो गए हैं आजकल। मतलब नॉर्मली फंड्स भी ये प्रेफर करते हैं और ब्रोकर्स भी प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट कंपनीज को ले जाया जाए US या UK, और डायरेक्ट जिस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है उन्हीं को मिला दें और साइड में हो जाएँ। लेकिन एनलिस रोड शोज़ की भी अपनी एक आई थिंक एक इम्पोर्टेंस है, तो वो अब थोड़े से फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। बहरहाल 3-4 साल पहले एक एनलिस्ट रोड शो मेरा लास्ट था, उसके बाद अब एक एज एन एनलिस्ट अटेंड किया है। तो वो अगेन फिर पूरी बाजार पे बातें हो जाती हैं। नॉर्मली आप कॉर्पोरेट को लेके जाते हैं तो उसी कंपनी पे ही बातें होती हैं, बट इसमें पॉलिटिक्स की भी बातें हो जाती हैं, इकोनॉमी की बात हो जाती है, बाजार के डायनामिक्स पे हो जाता है, सेक्टर्स और फिर ऑब्वियसली कंपनीज। तो डिफरेंट सा एक फ्लेवर मिलता है। तो वी मेट ऑल द मेजर इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान, और बड़ा अच्छा एक सॉर्ट ऑफ व्यू मिल गया। आई थिंक बस द रीज़न आई मेंशन कि जी एनलिस रोड शो 3-4 साल पहले किया था और अब किया है, उसकी वजह यह है कि जो सबसे वाज़े फ़र्क था पिछले बार से और अब, पहले इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी लोगों को पाकिस्तान के बारे में। अगर बात होती थी तो किसी सेक्टर के टॉप नेम्स की होती थी, तो सीमेंट में अगर बात की जाए तो लकी और DG की होती थी, और बैंक्स में बात की जाए तो MCB और हबीब और UBL से आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये था कि लोग अगर बैंक्स में बात करें तो इन पे तो बहुत कंफर्टेबल थे, बट दे वांटेड टू नो मिड टीयर बैंक्स क्या कर रहे हैं, छोटे बैंक्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर सेक्टर में नेम्स क्या हैं, या सीमेंट सेक्टर में लकी DG के अलावा जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या हो रहा है, मीट कंपनीज का बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज का बताएं। बहुत हट के ऑटोज़ में बहुत इंटरेस्ट नज़र आया फॉर इंस्टेंस, पहले नहीं हुआ करता था इतना। तो आई थिंक ये बड़ा, आई थिंक ये एक अच्छी निशानदेही करता है कि कितना इंटरेस्ट है। जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत गौर से पाकिस्तान को देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कंपनीज को जानते हैं। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6 लोगों ने कहा कि अगले हम 1-1.5 महीने में पाकिस्तान का में आएंगे मीटिंग्स करने, और 3 से 4 ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में हम होके गए हैं पाकिस्तान से। और इनफैक्ट जब हम वहाँ थे तो कुछ लोगों के कॉलीग्स ऑलरेडी उस टाइम पे पाकिस्तान में थे। तो आई थिंक दैट जस्ट गोज टू शो कि इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, क्योंकि इमर्जिंग में हम अभी तक गए नहीं हैं। इमर्जिंग में हम जाएंगे तो एक नए तौर से इंटरेस्ट आएगा। बिकॉज मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि कुछ फंड्स ऐसे थे जिनको पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं पता था। उन फंड्स में जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो ये था कि ये प्योर इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं। तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स ने तो सही से पाकिस्तान को देखना शुरू ही नहीं। अभी तक जो पैसा आया है, शायद अभी तक जो या आप कह सकते हैं अभी तक जून में आया है इनफ्लो, उसके बाद से नहीं आया है। इनफैक्ट आउटफ्लो था सितंबर में, वो इस वजह से कि दिस इज़ नॉट न्यू मनी, नया मनी अभी समझ रहा है पाकिस्तान को। अभी तो ये वही पैसा है जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो रैली को एंजॉय करता रहा है और कर रहा है। बट आई थिंक अगर आप 17 की बात करें, जब हम इफेक्टिव हो जाएंगे, अभी से लोग अब मीटिंग्स ले रहे हैं पाकिस्तान पे, समझ रहे हैं जो जो लोग पहले नहीं देखते थे पाकिस्तान को। तो आई थिंक डेफिनेटली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू एक इंटरेस्टिंग सा एक केस बिल्ड हो जाता है कि न्यू मनी विल कम इन इनटू द मार्केट। अब ओल्ड मनी लेट्स सी, फ्रंटियर फंड्स ट्रैक करते हैं नहीं, मतलब छोड़ देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो इमर्जिंग होता है। मेरे ख्याल में नहीं छोड़ेंगे, मेरे ख्याल में इनको साथ बाय साइड चलाते रहेंगे। बट न्यू मनी हैज़ नॉट कम इन, ये हमारी परसेप्शन थी। ऑब्वियसली ये इट माइट बी अ स्मॉल सैम्पल, बट आई थिंक 20 फंड्स अक्रॉस टू कॉन्टिनेंट्स मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स में मीटिंग्स थी, तो वी थिंक इट्स अ डिसेंट सैम्पल। तो इससे हमें ये लग रहा है कि अभी अभी पाकिस्तान मजीद लाइमलाइट में रहेगा।
दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिल्कुल इन तीनों पे ही सवाल आता है, पॉलिटिक्स पे आए, इकॉनमी पे आए, बाजार पे आए. पॉलिटिक्स पे ज़्यादा हमें परेशान नहीं नज़र आए इन्वेस्टर्स, आई थिंक दे वर कंफर्टेबल. ऑब्वियसली देखें उस वक्त न्यूज़ क्या थी जब हम गए थे, तो ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में थोड़े हालात नासाज हो गए थे, तो उसके ऊपर सवाल थे. ऑब्वियसली हम यू नो आई थिंक बिग टॉपिक इन पाकिस्तान इज़ यू नो द आर्मी चीफ्स रिप्लेसमेंट, क्या है वो कंटिन्यू करते हैं या उनके कौन होंगे जो आगे आएंगे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली पीपल वर आस्किंग कि जी क्या क्या नज़र आ रहा है उस एंड पे. तीसरा सवाल, आई थिंक सरप्राइजिंगली इतना शायद उस टाइम पे इतना नहीं था ये न्यूज़ में, शायद आगे जाके हो, लेकिन ऑपोजिशन जो थोड़ा सा हुकूमत पे प्रेशर डाल रही है पर्टिकुलर पार्टीज़ के, जी पैनामा लीक्स रेवलेशन पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस पे इतना कंसर्न नज़र नहीं आया. तो पॉलिटिक्स पे आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग कंफर्टेबल नज़र आए. आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड इकॉनमी में भी कंफर्टेबल ही थे, कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आई कि यू नो परेशान है. बट आई थिंक एक सवाल आई थिंक तकरीबन हर किसी ने पूछा, वो कि करेंसी था, कि एक्सचेंज रेट आपका पिछले 3 साल अगर आप देखें जब से ये हुकूमत आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3% पर एनम से ज़्यादा स्लिपेज हुई है, और हिस्टोरिकली 6% रह चुकी है. और ये भी है कि IMF प्रोग्राम यू नो पिछले महीने ख़त्म हो गया है. तो सवाल तो करेंसी पे ज़्यादा थे. हमारी भी उस पर यही है कि लगता नहीं है कि कोई स्लिपेज तेज़ी से होगा, कुछ यू नो इम्पोर्ट कवर का बफर मौजूद है आपके पास, स्टेट बैंक के रिजर्व से 5 महीने का है, और नॉर्मली प्रॉब्लम्स हमें आते हैं जब 2-2.5 महीने का रह जाता है, तो वो लगता नहीं है कि यू नो वो होगा इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स. तो यू नो अगर पॉलिटिक्स रिमेन स्मूथ, तो इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में रुपी ने इतना जिस तरह होता हुआ है पिछले 2-3 साल शायद वैसा ही रहा है. एंड आई थिंक दे वर कंफर्टेबल विद दैट आंसर. मैंने मेरे ख्याल में इसको चैलेंज इतना होते हुए देखा नहीं हमने इस अजम्पशन को. आई थिंक वो दे सॉर्ट ऑफ अग्रीड इज आर व्यू. ऑब्वियसली वो क्या सोच रहे हैं वी आई गेस ओनली टाइम विल टेल, बट लगा नहीं कि इतना पुश बैक नहीं आया इस जवाब पे जो हमने दिया था. आई थिंक ज़्यादा टू बी फेयर ज़्यादा नहीं था. आई मीन वी डिड से कि जी यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग हालात जब अच्छे भी रहे हैं तो आई मीन हाउ गुड. आई थिंक अगर आप बिलो द लाइन्स देखें तो बिजनेस मेरे ख्याल में असर नहीं हुआ है. इनफैक्ट हम अगर मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप सीमेंट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अफगानिस्तान पहले बहुत जाया करते थे, इंडिया हार्डली एनीथिंग जाता था. अब अफगानिस्तान कम हो रहा है, इंडिया बढ़ गया, अब तकरीबन बराबर बराबर हो गए पिछले महीने. ट्रेड और इस तरह की चीज़ों पे अभी इतना असर नहीं आया, और ट्रेड इतना है भी नहीं टू बी फेयर. तो हमारी वही ये थी कि ये चीज़ तो है लेकिन इससे असर क्या होगा इकॉनमी पे, ऐसा कोई खतरखा असर नज़र नहीं आता. और हमें नहीं लगता कि हालात इतने बुरे होंगे कि यू नो एस्केलेट करेंगे कि यू नो ओपन यू नो वॉर की तरफ जाएँ. तो ये ज़रूर टेंशन ज़रूर है एंड समथिंग टू वॉच, लेकिन बिजनेस पे वैसे ही इतनी कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं होती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और दूसरा कि इतना कोई असर आता भी नहीं है. तो आई थिंक वही मेरे ख्याल में अगर ये ऑब्वियसली उस टाइम पे हालात ये कोई पूछता भी नहीं, बस वही था कि उस टाइम पे ये क्योंकि न्यूज़ बनी हुई थी तो ऑब्वियसली पीपल आस्क्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट वाज समथिंग के अगर ये समझ बिलफर्ज हम एक हफ्ता पहले चले जाते और टेंशन नहीं होती ऐसे, मेरा नहीं ख्याल कोई इस उसमें पूछता. तो ऑब्वियसली समथिंग टू ट्रैक. आई मीन ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू नो कि जी पॉलिसी कंटिन्यूटी क्या रहेगी, यू नो हाउ लॉ एंड ऑर्डर का क्या है. CPEC के मुतालिक ऑब्वियसली सवाल बहुत थे फ्रॉम दैट एंगल के इज़ वेल कि जी सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड की जा रही है और वो चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थे. आई थिंक वही कोई डिस्ट्रप्शन की बात तो नहीं कर रहा कोई, लेकिन ये ऑब्वियसली CPEC में हर किसी का स्टेक है, एवरीबडी वॉन्ट्स के जी ये सही से हो. तो उस पर यही था कि जी क्या वो चल रहा है और इज एवरीबडी हैप्पी जो स्टेक होल्डर्स हैं. तो मेरे अगेन इस तरह के थे. आई मीन ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है बिकॉज लेट्स बी फ्रैंक ना, आई मीन इन हाफ आर हिस्ट्री पाकिस्तान हैज़ बीन अंडर अ मिलिट्री रिजीम, हाफ इट्स टाइम सिविलियन. तो लोग ऑब्वियसली सवाल तो पूछते हैं बिकॉज डिसरप्शंस जब भी डिसरप्शंस हुए हैं, क्योंकि करेंसी अगर आप बात कर लें तो पिछली 2 करेंसी आपकी जो स्लिपेजेस हुई हैं बड़ी वो पॉलिटिकल चेंजेस पे रिजीम चेंजेस हुई हैं. 2013 में इलेक्शंस, उससे पहले 2008 में चले जाएं, 2 बड़ी जो करेंसी की मूव्स हैं वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ही आई थिंक सामने आई हैं. तो ऑब्वियसली पीपल वो थोड़ा मिलाते हैं इसको ना, कि अगर ऑब्वियसली ये नहीं कहना कि कोई बेहतर क्या है क्या नहीं, बट चेंज सडन चेंज से लोग
ऑब्वियसली घबराते हैं क्योंकि उससे एक सडन चेंजेस इन एसेट प्राइसेस भी हो सकती हैं. तो आई थिंक वो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे थे फ्रॉम पॉलिसी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉलिसी कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड रूपी पॉइंट ऑफ व्यू. तो पॉलिटिक्स इकोनॉमी मार्केट में ब्रॉडली स्पीकिंग कंफर्टेबल नज़र आए, कोई कोई ऐसी तकलीफ नज़र नहीं आए. बाकी फिर तो ऑब्वियसली फिर सेक्टर्स और स्टॉक्स में फिर उनका इंटरेस्ट था. तो हाफ द कन्वर्सेशन यूज टू बी के इससे करें, कुछ तो कहते थे कि नहीं हमें तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बहुत हम अप टू डेट हैं, हमें सीधा सीधा आप स्टॉक्स पे आ जाएं, आप शुरू ही स्टॉक से करें, वी नो व्हाट वी वांट टू नो. तो ये थोड़ा ये भी इंटरेस्टिंग था.